भारत रचेगा अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान, बढ़ेगा कद। भारत अंतरिक्ष में करेगा खेल, विश्व शक्ति होंगी फेल। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ते कदम से चीन क्यों है परेशान? स्पेस के मोर्चे पर भी भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। दोस्तों, भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है। जो विकसित देश भारत को मुंह चढ़ाते थे, आज वो मजबूर हैं अपने सैटेलाइट्स भारत से लॉन्च करने के लिए। आज विश्व को समझ में आ गया है कि भारत अब पश्चिम देशों की तरफ नहीं, बल्कि पश्चिम के विकसित देश भारत की तरफ देखेंगे। वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग, जिन्होंने विश्व के अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी मोनोपोली जमा ली थी, भारत ने उस पूरे एकाधिकार को ध्वस्त कर दिया। भारत ने समझा दिया है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा। जो कई देशों के लिए उम्मीद, तो कई पुराने स्पेस क्लब कंट्रीज के लिए टेंशन की भी बात है, क्योंकि भारत किसी भी देश को सेवा देकर गुलाम बनाने में विश्वास नहीं रखता। बल्कि भारत के पीएम मोदी का आह्वान है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए विश्व के कई विकासशील देशों को भारत से उम्मीद भी है और भरोसा भी है कि भारत दूसरे देशों की तुलना में सस्ते में स्पेस टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा देगा। यानी कि पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। यानी कि भारत अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज की मदद से भारत को आर्थिक क्षेत्र में तो मजबूत करेगा ही, विश्व के उन देशों के बराबर खड़ा होगा ही जो स्पेस में अपने एकाधिकार के लिए इतराते हैं, बल्कि अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज की वजह से अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी हासिल करेगा। दोस्तों, भारत ने पिछले दशक में कई सफल प्रोजेक्ट लॉन्च किए, फिर वो चंद्रयान मिशन हो, विदेशी उपग्रहों को उनके कक्ष में स्थापित करने की बात हो, भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह भेजने से शुरू हुई थी, वो अब गगनयान मिशन की मदद से मानव भेजने के चौखट पर आ खड़ी हुई है। भारत अब गगनयान मिशन की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुका है। भारत जानता है कि अगर स्पेस के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनना है, तो इंसानों को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजना ही होगा। भारत ने इसमें बड़ी कामयाबी भी हासिल कर ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि गगनयान मिशन को कामयाबी देने के लिए इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन CE-20 को स्वदेशी तकनीक से विकसित कर लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विपरीत हालातों में हासिल की है ये कामयाबी। नहीं तो दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब रूस ने अमेरिका के दबाव में भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, और यही वो इंजन होता है जो भारी वजन वाले उपग्रहों और अन्य उपकरणों को अंतरिक्ष में पहुंचाता है। अब भारत लगातार और तेजी से अपने मिशन गगनयान की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष से यात्रियों को वापस लाने की तकनीक पर काम तो पूरा हो चुका है, उसका परीक्षण भी इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, और वैश्विक स्तर पर नया कीर्तिमान भी रच दिया है। दर्शकों, गगनयान मिशन के लिए भारत ने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, इसरो अपने गगनयान प्रोजेक्ट पर इस तेजी से काम कर रहा है कि ताजा अपडेट ये निकल कर आ रही है कि भारत अगले साल तक अपने मानव रहित मिशन को पूरा कर लेगा, जो भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं कि जब जो विकसित देश हमें तीसरा विश्व बोला करते थे, वो हमारे सामने नतमस्तक होंगे। तो साथ ही भारत 2026 तक विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में मानव मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुका होगा।
भारत गगनयान मानव मिशन को लेकर कितना उत्साहित और उम्मीद में है कि जिन यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है वो लोग अभी से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी कि भारत तो सोच कर बैठा है कि भाई अब अंतरिक्ष पर झंडा भारत का नागरिक ही फहराएगा। भारत ने अपने गगनयान मानव रहित के लिए काम को और तेजी से शुरू कर दिया है, जिससे हमारा मानव मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो सके। इसरो इस मानव रहित मिशन की निगरानी के लिए प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर में बने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर वैज्ञानिकों को लेकर जाने वाले जहाज भेजेगा। भारत सरकार के तहत इसरो 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच एक वैज्ञानिक प्रयोग करने वाला है। मिशन की शुरुआत 1 मार्च 2025 से होने की उम्मीद है। दोस्तों, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गगनयान को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जो कि मानव रहित मिशन होगा। दोस्तों, अगर भारत का ये मानव रहित मिशन कामयाब हो जाता है तो फिर वो पल आएगा जो भारत के लिए नया कीर्तिमान तो पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का पल भी होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अभियान के जरिए इसरो इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में 7 दिनों तक करीब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजेगा। गगनयान 3 भारतीयों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा और उसके बाद उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटाया भी जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गगनयान मानव रहित मिशन को सपोर्ट करने के लिए 2 अलग अलग जगहों प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर से 2 जहाजों को पूरी तैयारी के साथ भेजा जाएगा। ये जहाज क्रू ऑपरेशंस में मदद करेंगे। इसरो इन जहाजों से बेंगलुरु स्थित मॉक्स स्ट्रैक और एससीसी स्ट्रैक तक हाइब्रिड कम्युनिकेशन सर्किट स्थापित करेगा। ये दोनों ही सेंटर्स चंद्रयान 3 में अहम भूमिका निभा चुके हैं। दोस्तों, अगर भारत पहले गगनयान मानव रहित और बाद में गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो भारत के लोगों का जीवन तो उन्नत होगा ही, साथ ही भारत के विकास को भी नई दिशा और दशा मिलेगी। दोस्तों, जितनी तेजी से भारत का स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ा है, दुनिया भर में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब नासा 1969 में चांद पर मानव मिशन अपोलो भेज रहा था, तब तक इसरो अस्तित्व में ही नहीं था, लेकिन महज 50 साल के सफर में इसरो के वैज्ञानिकों, इसरो की इंजीनियरिंग प्रतिभा और स्वदेशी तकनीक नवाचार के जरिए दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है।